रणबीर कपूर की मूवी एनिमल डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, जो कि मैंने देख ली। और इस मूवी को लेकर पहले से ही लोगों के बीच काफी ज्यादा हाइप है, जिसके बाद कि मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि पिक्चर को सिर्फ हाइप पर देखने मत जाना, बल्कि उससे पहले ये वीडियो देख लो, ये जान लो कि आपको आखिर पिक्चर में देखने को क्या मिलने वाला है और आपको मूवी से एक्सपेक्ट क्या करना है, क्योंकि ये मूवी हर किसी के तो लिए बिल्कुल भी नहीं है और फिर बाद में मत सोचना कि ये तो मिस्टेक होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिक्चर को अपनी फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ कतई मत देखना, क्योंकि मूवी में वायलेंस है, खून खराबा है, वो तो एक हद तक चलता है, लेकिन मूवी में न्यूडिटी है और किसिंग सीन तो लिमिटलेस है, और सेक्स उक्स की बातें हो रही है, तो मेरे हिसाब से फैमिली में देखने लायक तो नहीं है। तो अगर ये सोच रहे थे कि पापा वाली पिक्चर पापा के साथ देखने जाऊंगा, तो भाई रहने दो, बाकी आप कितने ओपन माइंडेड हो डिपेंड ऑन यू। इसके बाद ये भी बता दूं कि जो लोग सोच रहे थे कि पिक्चर एक्शन पैक्ड होगी और मूवी में काफी ज्यादा ब्रूटल और बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा, तो नहीं, मूवी में एक्शन है लेकिन उतना ही जितना आपने इसके टीजर और ट्रेलर में देखा, बाकी एक्शन ब्रूटल है ये बात अलग है। तो अगर आप ये एस्पेक्ट कर रहे हो कि मूवी में आपको काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, तो नहीं। इसके बाद जैसे कि मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने कहा ही था कि मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में एक वॉयलेंट मूवी होती कैसी है, तो यस, मूवी में आपको अच्छा खासा वॉयलेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि फिजिकली उतना नहीं है, मेंटली बहुत ज्यादा है, ऑल्दो फिजिकली भी है। और भाई पोस्ट क्रेडिट सीन, फक, जी हाँ, मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, तो एंड तक देख कर आना। और अगर हाँ आप सेंसिटिव टाइप के पर्सन हो, ज्यादा ब्लड व्लड खून खराबा यानी कि वॉयलेंस नहीं देखा जाता है, तो पिक्चर भाई मत ही देखो। और मे बी आपको ये तो पता ही होगा कि मूवी 3 घंटे 20 मिनट की है, जो कि एक मूवी के लिए काफी लंबी लेंथ होती है, जिसके बाद कि आप में से बहुत का ये क्वेश्चन भी होगा कि क्या पिक्चर लंबी फील होती है, तो मैं ये कहूंगा कि पिक्चर बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं है, आपको ये नहीं लगेगा कि क्या चल रहा है या फिर लोग बीच में उठकर नहीं जाएंगे, पिक्चर इंगेजिंग है, होल्ड करके रखती है। बट मेरे को कहीं कहीं पर लगने लगा था कि भाई कब से बैठा हूं मैं, अब तक इंटरवल नहीं हुआ, तो ओवरऑल मूवी कहीं ना कहीं थोड़ी लंबी फील होती है। इसके अलावा मूवी की एडिटिंग को लेकर भी मेरी थोड़ी सी कंप्लेन है, जो कि फर्स्ट हाफ में ज्यादा फील होती है, तो मूवी प्रेजेंट और पास्ट में ट्रैवल करती है और उसके बीच जो कट होता है, जो ट्रांजेक्शन होता है, वो फील होता है, वो स्मूथ नहीं है। तब तक जो मैंने आपको बताया ये है वो जो आपको मूवी से एक्सपेक्ट करना है और जो मूवी की छोटी मोटी कमियां हैं। लेकिन इन सबसे हटके अगर मैं बताऊं कि मूवी आखिर मेरे को लगी कैसी, तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब से ये मूवी अनाउंस हुई थी तब से ही मैं इसके लिए बहुत 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 एक्साइटेड था, और आज फाइनली ये मूवी देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि पिक्चर मेरी एक्सपेक्टेशन पर डिलीवर करती है। जो मैंने सोचा था, जो मुझे मूवी से चाहिए था, वो पिक्चर में है, और मेरे हिसाब से मूवी चुम्मेश्वरी है। और भाई सब जाकर देखो, क्योंकि मेरे से नरेंद्र मोदी भी ये पूछने आएंगे कि पिक्चर कैसी लगी, तो मैं उनको भी ये कहूंगा कि पिक्चर बवाल है और आप भी जाकर देखो। इसके अलावा मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ बताकर स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि जो आपने टीजर और ट्रेलर देखकर आइडिया लगाया है कि हमको पिक्चर में ये स्टोरी देखने को मिलेगी, वही सोच कर जाना। और क्योंकि मैंने आपको मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स पहले ही बता दिए हैं, तो अगर अब आपको मैं मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स बताऊं, तो सबसे पहले भाई कास्ट की परफॉर्मेंसेस, हर एक बंदे ने क्या काम किया है, एकदम नेचुरल, और उनका काम आप फील कर सकते हो। इसमें सबसे पहले ऑब्वियसली रणबीर कपूर के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इसने अच्छी नहीं बहुत अच्छी एक्टिंग करके औकात दिखा दी। भाई बंदा जब नॉर्मल होता है तो एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह हो जाता है, जोक्स मारने लगता है, और जब एनिमल मोड में आता है तो भाई साहब फिर आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा भाई अलीन कपूर, ही डन ए ग्रेट जॉब, क्या एक्सप्रेशन दिए हैं बंदे ने, जिस भी फ्रेम में रणबीर कपूर होता है वो और कैरेक्टर्स को ओवरशैडो कर देता है। लेकिन अगर बात करें अलीन कपूर की, तो भाई वो रणबीर कपूर के सामने भी निखर के आते हैं। इसके अलावा भाई रश्मिका मंदाना ने भी पिक्चर में अच्छी एक्टिंग कर दी यार। और भाई लॉर्ड बॉबी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज शट अप। इसके अलावा जो मूवी में मेरे को दूसरी अच्छी चीज लगी वो है मूवी की कन्वर्सेशंस, जहाँ पर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो इतनी ज्यादा टेंस है, उसमें टेंशन बिल्ड होती जाती है। मूवी के एक्शन सीक्वेंस से ज्यादा मूवी की कन्वर्सेशंस बेस्ट है, मजा जाती है भाई देखने में। इसके अलावा भाई मूवी का डायरेक्शन संदीप रेड्डी वांगा, बंदे ने अब तक सिर्फ 2 ही मूवी बनाई है, अर्जुन रेड्डी और फिर उसका रीमेक कबीर सिंह। लेकिन इस मूवी को देखकर लगता नहीं कि इसने सिर्फ 2 ही मूवी बनाई है, बिकॉज ही डन फैबुलस जॉब। उन्होंने कुछ सीन्स काफी ब्यूटीफुली लिए हैं, कुछ काफी यूनिक तरह से लिए हैं, मतलब ओवरऑल मस्त काम किया है। इसके अलावा मूवी की सिनेमेटोग्राफी, मूवी का म्यूजिक ऑन द पॉइंट है, म्यूजिक तो कमाल का है, द सॉन्ग्स, द बीजीएम, बवाल। वैसे मेरे को कहीं कहीं लगा कि म्यूजिक थोड़ा लाउड है, मे बी वो थिएटर प्रॉब्लम भी हो सकता
सकती है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि पिक्चर मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप वायलेंस न्यूडिटी सेक्स उक्स की बातें देख सकते हो तो भाई डेफिनेटली जाकर देखो, पैसा वसूल पिक्चर है। एंड यस यही था, बाकी इसके पोस्ट क्रेडिट सीन पर हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और साथ ही मैंने एनिमल मूवी में फादर सन के रिलेशनशिप पर ये वाली वीडियो बनाई थी, जो कि अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर चेकआउट करना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।